व्यूअर्स एंड लर्नर्स, हम प्रीवियस लेसन में सीख चुके हैं कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो कैसे करते हैं, तो आइए थोड़ा और देखते हैं कि क्या होता है। टेबल फॉर्मेटिंग तो बिल्कुल सिंपल है, मैं ये टेबल पूरी जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से आप देख रहे हैं कि टेबल को फॉर्मेटिंग क्या दी जा रही है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करके अपने टेबल पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी टेबल आपने जितना एरिया सेलेक्ट किया हुआ होगा वो पूरा टेबल क्या हो जाएगा, वो फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे मैं सिर्फ ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं टेबल फॉर्मेट पे आता हूँ, तो मैं यहाँ से कोई भी ये फॉर्मेट मैंने अप्लाई करना है। ओके, तो आप देखें जो फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया वो देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, मैं कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो फॉर्मेटिंग आपने देख ली, मज़ीद हम आगे देखते हैं कि फॉर्मेट टेबल में और क्या है, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप देख चुके हैं। अच्छा, सेल स्टाइल्स जो हैं ये भी आप देख चुके हैं, ये भी मैंने आपको बताया था कि सेल को स्टाइल्स कैसे अप्लाई करनी है। तो आप किसी भी सेल पे कोई भी स्टाइल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कोई भी स्टाइल जो है वो आप सेलेक्ट कर दें और अप्लाई कर दें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप यहाँ से कोई हेडिंग वगैरह कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद है इंसर्ट, इंसर्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, शीट कॉलम्स। ठीक है, इंसर्ट शीट, कोई शीट आपने इंसर्ट करनी है, कॉलम्स वगैरह इंसर्ट करने हैं वो आप यहाँ से मैनुअली भी कर सकते हैं। देखें, मैं यहाँ आता हूँ, बिल्कुल इस साइड पे मैं आ जाता हूँ। अच्छा, और ये मेरे पास एक रो है, इस रो पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इससे ऊपर एक और रो आ जाएगी। देखें आप दिखाई देगा मेरे पास ये कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इससे पहले कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये हम सीख गए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इंसर्ट में यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। सेल्स, अच्छा यहाँ पर मुझे इससे पहले या इसके बाद एक और सेल चाहिए, इंसर्ट सेल पर मैंने क्लिक कर दिया, शिफ्ट सेल्स डाउन, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला सेल नीचे चला गया और ये सेल ऊपर है। ठीक है, ये जो ऊपर ब्लैंक सेल था वो न्यू सेल इंसर्ट हो गया। इसी तरह इंसर्ट शीट रो और कॉलम मैंने आपको बता दिया, इंसर्ट शीट वो सिंपल सी बात है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दें और इंसर्ट पे क्लिक कर दें, तो एक शीट क्या होगा आपके पास, वर्कशीट न्यू आ जाएगा। ओके पे क्लिक करें तो न्यू वर्कशीट आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी आप सीख चुके हैं। डिलीट में भी यही चीज़ें हैं, ये भी आप खुद देख लें, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। डिलीट सेल्स, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स। अच्छा, सेल्स पहले हम सेल्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम अपने शीट को सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ, ये जो सेल्स हैं ये चार, ये सेल्स मैंने सेलेक्ट कर दिया और ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट सेल्स पर क्लिक कर दिया, डायलॉग बॉक्स मुझे बता रहा है कि शिफ्ट सेल्स राइट, सेल्स शिफ्ट सेल्स अप, ओके। ठीक है, ये जो चार सेल डिलीट हो गए उसकी जगह ये नीचे से सारे सेल ऊपर आ गए। ठीक है, इसी तरह इंसर्ट शीट रोज, ये मैंने दो रोज जो हैं वो सिलेक्शन की हैं, तो वो दोनों रोज क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगे। सॉरी, ये तो मैंने इंसर्ट कर दिया, डिलीट करना था, डिलीट पे डिलीट शीट रोज, देखो वो दोनों रोज जो हैं वो डिलीट हो गए, मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ। इसी तरह कॉलम, यही दो कॉलम सेलेक्ट जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह डिलीट शीट, ये जो शीट है इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमने इसको फिलहाल डिलीट नहीं करना। अच्छा, फॉर्मेट पे आते हैं, रो की हाइट कितनी रखनी है, आउट ऑफ फिट रो हाइट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है और ना मुश्किल है। अच्छा, ऑटो सम एक फंक्शन है जो मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, इक्वल SUM का, ये उसका उसी का काम करता है। देखिए, मैं यहाँ पे इक्वल दबाता हूँ, ठीक है, सॉरी इक्वल नहीं, मैंने अपना जो कर्सर है, एक एग्जांपल है, मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ, ठीक है, सॉरी इंजेक्शन बॉक्स यहाँ रखता हूँ और यही ऑटो सम पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, या तो ऑटो सम पे ही क्लिक करें या जो इस पर कैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और ये जो लिस्ट आपके सामने आ रही है इसमें सम दबा दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर है ये सेल्स वो है, रेंज है, सेल्स की रेंज है, मैंने यहाँ से यहाँ तक से जो है वो सेलेक्ट की हुई हैं, क्या कहते हैं सेल्स, और मैं इंटर दबाता हूँ कीबोर्ड से। ठीक है भाई, तो इसका टोटल यहाँ यहाँ से लेके ये देखें आप, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा कॉलम है इंग्लिश का, इंग्लिश में कितने हासिल किए गए नंबर्स हैं, ये उसका टोटल है। ठीक है, जितने ऊपर फिगर्स थे उसका टोटल ही आ गया। इसी तरह इसमें और ऑप्शन है, एवरेज है,
एवरेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जितने भी हैं उसका एवरेज बताएगा और मैं एंटर दबाता हूँ, ठीक है। तो एवरेज बता रहा है कि इन इन फिगर्स में से एवरेज जो है वो 79 है। इसी तरह मैं यहाँ पे अपना सेल रखता हूँ, सॉरी इंजेक्शन बॉक्स रखता हूँ। अच्छा, काउंट नंबर्स, ओके, और इंटर दबाता हूँ। वो कह रहा है 8। 8 का क्या मतलब है, ज़रा इसको देख लेते हैं कि 8 नंबर क्या है। 8 का मतलब है, ये हमें बता रहा है कि 8 सेल्स ऐसे हैं कि जिनमें नंबर्स मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इसने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन इसमें क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम देखें, उसके लिए ये फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये मैंने पूरा एरिया सेलेक्ट किया और इंटर दबा दिया। वो कह रहे हैं 100 जो है सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर है। नेक्स्ट जो फार्मूला है मिनिमम का, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मोर फंक्शन पे आते हैं तो ये हम काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं फिल। ये नंबर जो है, जो नंबर मैंने लिखा हुआ है, ये नीचे की तरफ मैं फिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं फिल पर क्लिक करता हूँ डाउन, सही है। इससे ऊपर का जो नंबर था वो नीचे आ गया। मैं यहाँ अपना कर्सर रखता हूँ, जो ऊपर का नंबर होगा वो नीचे फिल हो जाएगा, ठीक है, डाउन फिल, ठीक है। 262, ये नंबर कैसे आ गया, यहाँ पे डाउन फिल करते हैं सर, ठीक है। यहाँ तो सही चल रहा है, यहाँ गलत क्यों चल रहा है। फिल डाउन, अजीब बात है, फिल डाउन, ठीक है, कंट्रोल सेट। बहरहाल इसका मतलब यही है, आप जो है फिल डाउन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, हाँ सही है। 89 से जो एक नंबर कम होता है वो 88 होता है, यानी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब यह है कि जो ऊपर के नंबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो उसी तरतीब से नीचे की तरफ पलट कर क्या होंगे, काफ़ी बेस्ट हो जाएंगे। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, फिल डाउन, देखें 79 ये है, ये यहाँ आ गया, 78 ये है, ये यहाँ आ गया, सॉरी 88 है, उसी जगह 78, ठीक है ठीक है। ये सीरियल वाइज जो है नीचे की तरफ अब जा रहा है, वन बाय वन स्टेप ये कम करता है नंबर, ठीक। अच्छा, इसी तरह राइट, मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ और राइट पे क्लिक करता हूँ, तो इसने इस साइड पे क्या कर दिया, नंबर फिल कर दिया, 87, 89 के बाद 88 और 87, ठीक है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट कर देता हूँ और ये भी, और अब मैं अप्लाई करता हूँ कि राइट साइड पे क्या करता है। तो अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये आपको बताएगा कि इसने दो नंबर छोड़ दिए और 87, सॉरी एक नंबर छोड़ के एक नंबर पेस्ट कर रहा है। इसी तरह अप साइड है तो ये भी आप कर सकते। मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, कीबोर्ड से मैंने 2 लिखा, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ लिखता हूँ 2। इसके ऊपर जो है मैं यहाँ फिल और अप पे क्लिक कर देता हूँ तो उसने 2 फिल कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरह और देखते हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है, इस 2 का लेफ्ट साइड ये है, मैं फिल पे क्लिक करता हूँ और लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसने लेफ्ट साइड पर भी 2 लिख दिया, यानी कॉपी पेस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। मैं ये डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सीरीज चलानी है, जस्टिफाई करना है। अच्छा, 2 की सीरीज में चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, फिल पे क्लिक करके सीरीज पे क्लिक किया और ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने किस तरफ रो में किस तरफ, लीनियर, ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, 1, 2, 9, ठीक है, एक एग्जांपल है ट्रेंड, ओके। तो उसने सीरीज चला दी, मैंने फिल तो कर दिया था पहले, मैंने देखो लेफ्ट साइड पे फिल का ऑप्शन अप्लाई किया था और अब क्या कर दिया मैंने, उस पर सीरीज जैसे ही अप्लाई कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली वो 9 तक एंट्री कर दी, ठीक है, सीरियल वाइज, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह क्लियर ऑल अगर क्लिक कर दें तो जितने सेल्स आपने सेलेक्ट किए होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर ऑल हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्लियर में एक और ऑप्शन है, क्लियर फॉर्मेट्स है, तो देखें मैंने जिन जिन सेल्स पर फॉर्मेट अप्लाई किया हुआ है मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैंने सिलेक्शन की और क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक कर दिया तो सारे फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर कर दिए, ना बॉर्डर रहा और ना जो मैंने टेक्स्ट को उसमें कन्वर्ट किया था उर्दू में तो वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है।
इसी तरह क्लियर कंटेंट्स का मतलब है कि इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा कुछ मिट जाएगा, ये देखें, और फॉर्मेट अपनी जगह बाकी रहेगा, ठीक है। इसी तरह क्लियर कमेंट्स, अगर आपने कहीं कमेंट लगाए हैं, कमेंट ऐड किए हुए हैं, तो वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सॉर्ट और फिल्टर, फिल्टर जो है सॉर्ट ए टू जी और फिल्टर। सॉर्ट आपको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया था, ये वही ऑप्शन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वंस अगेन आपको समझा देता हूँ। मैं यहाँ वन लिखता हूँ, नीचे 2, 3, 4 और 5, ठीक है। हाँ, मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन देने के बाद मैं सॉर्ट पे आता हूँ, ठीक है। सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मैं उल्टा करता हूँ, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। देखें, सबसे बड़ा जो फिगर है वो ऊपर आ गई और सबसे छोटा नीचे इसने लगा दिया। इसी तरह स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का मतलब है सबसे छोटा फिगर ऊपर आ जाएगा और सबसे बड़ा फिगर जो है वो नीचे आ जाएगा। कस्टम सॉर्ट अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप देख लें, इतना ज़्यादा बातें इसमें नहीं है। फिल्टर मैं ये डिलीट कर देता हूँ। फिल्टर जो है वो ज़रूरी चीज़ है, बाज़ अवकात हमने कोई चीज़ ढूंढनी होती है। अच्छा, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। हम ज़रा इंग्लिश की शीट पे जाते हैं या उर्दू की, उर्दू में ही रहने देते हैं, ठीक है, या आप उर्दू में इंग्लिश में सब पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये जो वर्कबुक है मेरे पास, ये सेव करके मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरी वर्कबुक खोल रहा हूँ ताकि हम जिस पे हमने पहले काम किया है ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस है, ये जो एरिया है इस पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पर फिल्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ से मैंने फिल्टर कर दिया, फिल्टर, ठीक है। अब फिल्टर क्या काम करेगा, देखें, मैं फिल्टर का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, सॉर्ट ए टू जेड या जेड टू ए, मैं यहाँ से पी से चेक हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल और पी, इसमें तो और कुछ है नहीं। दोबारा अप्लाई करते हैं, फिल्टर, फिल्टर हटा दिया, फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब ज़रा इस पर चेक करते हैं क्या करता है। सेलेक्ट ऑल सॉर्ट बाय कलर कस्टम सॉर्ट, नहीं ये नहीं बता रहा, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ज़रा हम यहाँ कोशिश करते हैं, फिल्टर हटा दिया और यहाँ फिल्टर लगा दिया, शायद ये, हाँ ठीक है, ये असल में इंडेक्स पे काम करता है, ये ऊपर जो है ये पूरा क्या है, इंडेक्स है, तो यहाँ काम कर। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो यहाँ सारे पी हैं, इस पूरे कॉलम में पी हैं, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, इसमें भी मेरे ख्याल में पी हैं, अच्छा इसमें भी पी हैं। हम देखते हैं कि किस कॉलम में, जिसमें मिक्स चीज़ें हों, जैसे ये है, यहाँ पर आते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें हमने पी ए और एल वगैरह लिखे हुए होते, टाइप किए होते, तो ये सारे बता देता, ठीक है। जैसे ये है, इसमें क्या है, इसमें सारे ए हैं, इसमें भी ए हैं, इसमें क्या है, एल है, सही है। अच्छा, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ जो 20 वो है, 18 है, वो हमें दिखाई दे, ठीक है, ओके प्रेस कर दिया। तो इसने क्या कर दिया, बता दिया कि 18, जिसके 18 टोटल प्रेजेंट्स हैं, वो सिर्फ ये बंदा है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर किसी के होते तो यह हमें बता देता। हम क्या करते हैं, 18 नहीं, हम कहते हैं कि 19 और 20 जो है वो सिर्फ शो करो, हमने ओके दबा दिया। तो ये कह रहा है कि जिनके 19 और 20 हैं वो ये है लिस्ट में, ठीक है। हम फिर दोबारा जो है सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा देते हैं, ठीक है। अब हम 19 और 20 हटा देते हैं, हम 8 और 21 ये हटा देते, 8 और 21, 8 पे चेक लगा दिया, 21 पे चेक लगा दिया, ओके। तो ये हमें बता रहा है, देखें कि 8 और 21 जो फिगर्स जिन जिन के आ रहे हैं वो ये हैं, ठीक है। इस तरह हम पी ए वगैरह भी दूसरी चीज़ें भी फिल्टर कर सकते हैं। मैं सेलेक्ट ऑल पे चेक लगा के ओके करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से फिल्टर हटा देता हूँ। फिल्टर का ये काम होता है, बहुत जगहों पर काम आता है। फाइंड एंड सेलेक्ट जो है, फाइंड मैंने आपको वर्ड में बताया था, ये वही फाइंड है, इसमें और कुछ भी नहीं है, फाइंड आप देख लीजिए। तो उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा, आपने
फॉर्मेटिंग, सेल स्टाइल्स वगैरह ये चीज़ें सीखी होंगी, और फिल्टर भी किया होगा और ऑटोमेटिक फार्मूलाज भी अप्लाई किए होंगे। तो नेक्स्ट लेसन के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, और चैनल पसंद आने पर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।